खबर दिनभर में हूं शेख जुई, रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में अब मॉनसून कुछ दिनों में एंट्री ले रहा है, उससे पहले प्रदेश का मौसम सुहाना हो गया है। कई जिलों में प्री मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में बारिश भी देखने को मिली। अब लोगों को मॉनसून का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में मॉनसून सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बता दें मॉनसून महाराष्ट्र से आगे गुजरात की सीमा में प्रवेश कर चुका है। वहीं इस बार मॉनसून राजस्थान में तय समय से पहले एंट्री कर लेगा। सामान्य तौर पर प्रदेश में मॉनसून 25 जून तक एंट्री कर लेता है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा, राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उसमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट के रिजल्ट में मार्क्स को लेकर हुई कथित धांधली का विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर कोटा पुलिस ने शुक्रवार दोपहर लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता हंगामा करते हुए कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उनको ऐसा करने से रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को वहां से भगा दिया। इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलवर पहुंचे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी नए कॉलेज और विश्वविद्यालयों की समीक्षा होगी। डिप्टी सीएम ने कहा, गहलोत सरकार ने आनन फानन में नए कॉलेज खोले हैं जिनकी अब समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर 10 से 15 दिनों में बड़े बदलाव नजर आएंगे। बेरवा ने कहा, प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत को धमकी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक सांसद मन्नालाल रावत के बीटीपी पर दिए एक बयान से नाराज था। इसी से खफा होकर आरोपी युवक ने वीडियो पर कमेंट कर मन्नालाल को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले की पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की मुनक नहर से कथित तौर पर पानी चोरी करने को लेकर 2 टैंकर जब्त किए गए। दिल्ली में जल संकट बढ़ने के बाद टैंकर माफियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए मुनक नहर क्षेत्र में पुलिस ने गश्त शुरू की थी, जिसके एक दिन बाद यह कार्रवाई हुई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने नहर से पानी चोरी करने के आरोप में 2 टैंकर जब्त किए। एक टैंकर को खेत के पास कच्ची सदर से और दूसरे को डीएसआईडीसी डी ब्लॉक से जब्त किया गया। हमने बवाना और नरेला एनआईए थाने में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। दिल्ली जल संकट पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल के पास जितना भी पानी है, हमारे राज्य को जितने पानी चाहिए उसे छोड़कर हम दिल्ली या किसी अन्य राज्य को सारा पानी देने को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश इस देश का हिस्सा है। अगर पानी हरियाणा से होकर आना है तो दिल्ली को हरियाणा सरकार से समझौता करना होगा, इसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य अधिनियमितताओं के आरोपों को सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित नीट यूजी परीक्षा के सीबीआई से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र, एनटीए और अन्य 2 को सप्ताह में जवाब देने को कहा। नीट यूजी 2024 में गड़बड़ी के आरोप की सीबीआई से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने विवेक कुमार की न्यायिक हिरासत एक और दिन बढ़ा दी। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। बता दें कल विवेक कुमार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश भर में नीट एग्जाम को लेकर बवाल जारी है। मेडिकल स्टूडेंट अभी भी पेपर लीक को लेकर एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक ग्रेस मार्क्स वाले अभ्यर्थियों के एग्जाम दोबारा करने के लिए कहा, लेकिन बिहार पुलिस की जांच का क्या, जो कहती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।